हेलो बच्चों, आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें क्या-क्या हम लोगों को पढ़ना है। पहले हम आपको उस चीज़ को बता दें तो हम लोगों को इसमें एटम के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है, यानी एटम की बात कहाँ से शुरू की गई। उसके बाद एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर की बात करनी है। फिर उसके बाद आता है कि एटम का अगर स्ट्रक्चर हम लोग जो समझ लेते हैं तो फिर एटम के प्रॉपर्टी के बारे में जानना होता है। ओके, फिर उसके बाद जानना होता है कि मतलब एटम में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनको जानना है हम लोगों को इस लेसन में। और एटम का जो केमिकल प्रॉपर्टी है, यानी एटम का जो कॉम्बिनेशन है एक एटम का दूसरे के साथ, उस चीज़ को भी जानने का ज़रूरत है जिसको हम लोग इस लेसन में डील करेंगे। तो आज जो है वो हम लोग एटम की बात करेंगे और एटम के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया गया है कि एटम का ओरिजिन क्या था, मतलब बताया कब गया और किसने बताया, तो उसके बारे में हम लोग को बात करना है। तो हम आपको समझाएं शुरू से। तो सबसे पहला नाम जो है वो एटम में आता है महर्षि कर्नाद का। ओके, वो एक इंडियन, ओके, वो एक महर्षि थे। ओके, तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया था और चूंकि उसका अपने पास कोई प्रूफ नहीं है तो इस वजह से हम उस स्टेटमेंट को सपोज नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि महर्षि कर्नाद जो थे सबसे पहले उन्होंने बताया कि इस यूनिवर्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ओके, जिसके मिलने से, जिसके जुड़ने से मैटर का फॉर्मेशन होता है या इस पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है, ओके, उसकी बात उन्होंने बताया कि जिसके कम्बिनेशन से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है उसको हम लोग परमाणु कहते हैं। ओके, उन्होंने ये हिंदी में नाम दिया था परमाणु। तो चूंकि हम लोग बस ये सुनी हुई बात कहते हैं, इसका कोई लिखित प्रूफ नहीं है अपने पास, तो इसको हम लोग मेजर नहीं करते हैं और इस स्टेटमेंट को हम लोग लिखते भी नहीं कहीं, क्योंकि ये लिखा हुआ कहीं नहीं है, बस एक कहा जाता है डिस्कशन के अंतर्गत। तो सबसे पहले एटम के बारे में बताने वाले थे डाल्टन, जो कि विद प्रूफ अगर बात करेंगे इन रिटेन बात कीजिएगा, तो सबसे पहले जॉन डाल्टन इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु टॉक्ड अबाउट एटम। ओके, व्हाट इज एटम एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स। ओके, तो इसकी बात करते हैं जॉन डाल्टन। तो उन्होंने ही बताया है एटम के बारे में, जिसको हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में स्टडी करते हैं और इसको आप 10th में भी पढ़ चुके होंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ शुरू करें कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है, उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं। यहीं से शुरू होता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि डाल्टन थ्योरी को आप अपने फर्स्ट लेसन यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी हम डिस्कस कर लें कि तो यहाँ अब हम लोग बात करें कि जॉन डाल्टन के क्या क्या पोस्टुलेट। तो आइए शुरू करें। देखिए, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल
पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ओके, यानी जितने भी एटम्स है, समझिएगा स्टेटमेंट को ढंग से, जितने भी मैटर हैं उस सभी मैटर एक ऐसे पार्टिकल से बना है जो कि डिविजिबल नहीं है, जिनको आप तोड़ नहीं सकते हो, फोड़ नहीं सकते हो। ओके, आप उसको बना नहीं सकते हो। ओके, यानी इस पोस्टुलेट को आप इस तरीके से कहो कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को आप ना बना सकते हो और ना ही बिगाड़ सकते हो। ओके, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट ये कि एटम जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल है और जिसके कंटिन्यूअस एडिशन से किसी मैटर का फॉर्मेशन होता है। ओके, और उन्होंने बताया कि इंडिविजुअल है, इसको आप तोड़ नहीं सकते हो। यू कैंट डिस्ट्रॉय एटम्स। ओके, एंड इट कैन ऑल्सो नॉट बी फॉर्म्ड। ओके, आप इसको बना भी नहीं सकते हो। ये बनेगा तो खुद से ये बन रहा होगा या फिर इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इसका प्रूफ नहीं। इन्होंने ये बात बताया, क्लियर है? तो इन्होंने बताया कि इस यूनिवर्स का जो सबसे टाइनीएस्ट पार्टिकल है वो आपका कौन है, तो एटम। ओके, अब आगे हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन शेप एंड मास बट डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। फिर अगला पोस्टुलेट कहता है, चूंकि चूंकि ये सब मॉडिफाइड हम लोग फॉर्म पढ़ते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था बस वही ये बात था, वहीं तक था ये बात कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके, एटम्स आर इंडिविजिबल एंड इट इज टाइनीस्ट पार्टिकल ऑफ द ऑफ एनी मैटर या ऑफ अ सबस्टांस, ये कह सकते हैं। अब हम लोग इसको मॉडिफाई कर देते हैं तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन शेप एंड मास बट डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब कि किसी एक एलिमेंट की बात करेंगे तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन सब एटम्स का जो मास होगा, यानी नॉर्मली कहा जाए तो जो प्रॉपर्टी होगा, वो प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा। ओके, किसी एक एलिमेंट के अंदर में पाए जाने वाले जितने भी एटम्स होंगे उन सभी एटम्स के प्रॉपर्टी सेम होते हैं। ओके, एटम्स कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एटम को आप ना ही बना सकते हो और ना ही बिगाड़ सकते हो, नष्ट कर सकते हो। ओके, द एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इन्होंने बताया कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी मैटर का जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है? तो ये पोस्टुलेट थे डाल्टन के। ओके, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी का ये पोस्टुलेट था। अब चूंकि उस वक्त में जब इन्होंने ये बात की तो उस वक्त में इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने एटम की बात की थी, तो इनका काफी रिस्पेक्ट बढ़ चुका था और ये काफी अच्छा इनका थॉट था जिसके बारे में कभी कोई बात नहीं किया, उसके बारे में इन्होंने बात किया और बात करके इस चीज को समझाया। तो अब जो है एटम का जो ये जो बात था कि एटम इज द टाइनीएस्ट पार्टिकल, ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा मे बी कि एटम सबसे टाइनीएस्ट कैसे हो सकता है। तो फिर इनके एक्सपेरिमेंट को, सॉरी इनके जो पोस्टुलेट्स थे उन पोस्टुलेट्स को स्टडी करके जे जे थॉम्सन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया।
उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या-क्या किया और कैसे किया उसको हम लोग जानते हैं। तो जे.जे. थॉम्सन का जो एक्सपेरिमेंट था उसको हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं इसको भी हम बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल समझिए कि आखिर ये एक इनका जो एक्सपेरिमेंट का नाम था वो था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो आइए शुरू करें और समझें इसे। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय जे.जे. थॉम्सन। तो आपको हम बताएं इस फिगर से, एक फिगर है, उस फिगर को समझना। जे.जे. थॉम्सन एक ग्लास ट्यूब ली है, ये ट्यूब आपको दिख रहा है। एक ग्लास ट्यूब लिए, इस ग्लास ट्यूब में छोटे छोटे गैसियस मॉलिक्यूल लिए, इन्होंने ये जो ग्लास ट्यूब लिया इसमें बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल इन्होंने फिल कर दिए। ये गैसियस मॉलिक्यूल कौन थे, तो जो नॉन रिएक्टिव यानी इनर्ट गैस जो होते हैं लाइक आर्गन नियॉन, उसको लिए और उसको इसमें पुट कर दी। और ये वैक्यूम लगाया गया, वैक्यूम पंप लगाया गया ताकि प्रेशर को कम किया जा सके, जो गैस का प्रेशर है उसको कम किया जा सके। और यहाँ पर दो एंड पे दो प्लेट लगाए गए, मेटल प्लेट। और इन दोनों प्लेट को इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। और जो बैटरी जो कनेक्ट किया गया था, जो वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा था, ये लगभग 10,000 वोल्ट का वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा था। इन्होंने इस वोल्टेज पर अप्लाई किया था। अब क्या हुआ कि यहाँ जो निगेटिव एंड बैटरी के जो निगेटिव एंड से जिस प्लेट को कनेक्ट किया गया उसको कैथोड कहा गया, और जो पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया गया उसको एनोड कहा गया। ये बात पहले बताई जा चुकी थी। ये अभी नहीं बताया गया, ये पहले ही बताया जा चुका था। साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग लोग थे, फ्रैंकलिन नाम के एक थे, उन्होंने ये बात बता दी थी। अब इसमें क्या था कि जब करंट का फ्लो शुरू हुआ, तो देखा क्या इन्होंने कि कैथोड प्लेट से कुछ रेज निकल रहे हैं। और रेज का पता कैसे चला, तो इन्होंने क्या देखा कि इसके अंदर यानी ट्यूब के अंदर में लाइटनिंग हो रहा है, चमक हो रहा है, जिस तरीके से थंडर स्टॉर्म के दौरान लाइटनिंग होता है, बस उसी तरीके से यहां भी लाइटनिंग हो रहा था। इस ट्यूब के अंदर में चमक आ रहा था। तो इन्होंने इस बात को क्या बोला, तो इन्होंने बताया कि एनोड प्लेट से कुछ रेज निकल रहे हैं, और वो रेज निकल कर इन गैसियस मॉलिक्यूल को डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। और डिस्चार्ज करके डिस्चार्ज कर दे रहे हैं, और डिस्चार्ज करने की वजह से क्या हो रहा है, यहां पर लाइटनिंग प्रोड्यूस हो रहा। तो इस कंडीशन में इस तरह के ट्यूब को हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं, इसी वजह से इसको इस ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब भी कहा जाता है। समझ रहे हो, इस वजह से इसको डिस्चार्ज ट्यूब भी कहा जाता है, क्योंकि कैथोड प्लेट से निकलने वाले जो रेज थे वो इन गैसियस मॉलिक्यूल से क्रॉस कर रहे थे। और गैसियस मॉलिक्यूल से क्रॉस करने के बाद गैसियस मॉलिक्यूल को डिस्चार्ज कर दे रहे थे, जिसकी वजह से लाइटनिंग प्रोड्यूस हो रहा था।
और ये जो रेज निकल रहे थे यहाँ से, ये रेज निकल कर यहाँ से यानी कैथोड प्लेट से निकल कर ये एनोड प्लेट की तरफ ट्रेवल कर रहे थे। ये जो कैथोड प्लेट से निकले और एनोड प्लेट की तरफ ट्रेवल किए, तो इसी कारण से, चूंकि ये रेज जो थे कैथोड प्लेट से प्रोड्यूस हुए थे, इसी वजह से इनको कैथोड रेज नाम दिया गया। समझे बात को? क्लियर है ये? कैथोड रेज क्यों बोला गया? क्योंकि ये कैथोड प्लेट से प्रोड्यूस हो रहे थे, ये जो रेज निकल रहे थे। क्लियर है? अब यहां समझना, ये बहुत ही जबरदस्त वाला लाइटनिंग था, बहुत ही अधिक लाइटनिंग हो रहा था यहां पर। तो एक कहानी उस वक्त का कहा जाता है कि कहते हैं लोग कहा करते थे कि जो वो थंडर स्टॉर्म है, यानी जो ये तड़ित है, ये तब होता है जब दुनिया में पाप बढ़ जाता है और भगवान उस देवता जो होते हैं वो उस पाप को खत्म करने के लिए तड़ित चमकता है। उस वक्त में ये कहा गया था। तो इन्होंने बताया कि अगर देवता देवता थंडर स्टॉर्म करा रहे हैं, लाइटनिंग करा रहे हैं इतना, तो ये लाइटनिंग तो हम भी कराए अपने ट्यूब की हेल्प से। ये जो ट्यूब था, इस ट्यूब की हेल्प से हमने भी लाइटनिंग कराया, इसका मतलब हम भी एक भगवान की तरह हुए, हम भी देवता बन गए। इन्होंने ये बात बताया, मतलब एक कहा जा सकता है कहावत के तौर पे कहा जाता है उस वक्त का, कि इन्होंने भी बताया कि हम भी देवता हो गए, फिर हम भी लाइटनिंग करा पा रहे। अब समझना कि इस प्लेट से निकल रहा था रे। अब रे निकलने की वजह से क्या हो रहा था कि लाइटनिंग प्रोड्यूस हो रहा था और यहाँ पर जो गैसेस मॉलिक्यूल थे वो डिस्चार्ज हो रहे थे। तो अब कहानी को आगे बढ़ाया गया, तो ये जो यहाँ से रेज निकल रहे थे, इन रेज के अंदर में कुछ पार्टिकल रहे होंगे, या चलो रेज जो है उनका क्या प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को समझने का जरूरत था। तो उसको हम लोगों को समझना था। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया और क्या क्या किया गया उसको देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो 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 काम किए उसको स्टेटमेंट में हम लोग यहाँ पर देख लें। तो देखिए, इन दिस एक्सपेरिमेंट अ डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब इन विच अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करेंट वाज पास्ड थ्रू अ गैस एट लो प्रेशर। एक ग्लास ट्यूब लिया गया, एक डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब लिया गया जिसके अंदर से हाई वोल्टेज वाला इलेक्ट्रिक करंट पास कराया गया और उसमें गैस भरा हुआ था, तो गैस के थ्रू पास हो रहा था और प्रेशर क्या रखा गया है, लो रखा गया। दिस ट्यूब सील्ड एट बोथ द एंड्स एंड फिटेड विथ टू मेटल इलेक्ट्रोड, दो मेटल इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड से लगाया गया। द ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप विच इज यूज टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द गैस इन द ट्यूब, यानी प्रेशर को कम करने के लिए। तो ये अरेंजमेंट करने के बाद, ये अरेंजमेंट करने के बाद अब आगे क्या, तो रिजल्ट क्या मिला हम लोगों को ये अरेंजमेंट करने पे, उस रिजल्ट को देखना है। और वो रिजल्ट कैसे मिला उस चीज को देखना। तो समझना, द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, तो रिजल्ट क्या निकला देखिए, तो आपको हम बताएं, द रेज फ्लोज फ्रॉम कैथोड प्लेट टू एनोड प्लेट, सो दीज आर कॉल्ड एज कैथोड रेज। चूंकि ये रेज जो थे ये कैथोड प्लेट से निकलकर एनोड प्लेट तक जा रहे थे और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, तो इनको हम लोग नाम क्या दे दिए, कैथोड रेज नाम दे दिए। नेक्स्ट, दीज रेज आर नॉट विजिबल, इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता था, तो इसको डिटेक्ट कैसे किया गया, तो इसको लाइटनिंग से डिटेक्ट किया गया। और साथ साथ जो यहां पर, जो ये एनोड प्लेट था, एनोड प्लेट के पीछे में यहां पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया गया, चमकीला सतह, इसलिए लगाया गया ताकि क्या होगा कि
जब कोई पार्टिकल उस पर अटैक करें तो उस पर क्या हो जाए, ब्लैक स्पॉट क्रिएट हो जाए। तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन से ही पता चल पाया कि कैथोड प्लेट जो था, जो कैथोड रेज निकल रहे थे वो वहाँ पर मौजूद है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन के हेल्प से। इनको हम लोग नॉर्मली नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे थे, इसको देखने के लिए फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया गया, यानी इसको डिटेक्ट किया गया कि यहाँ पर रे फ्लो हो रहे। नेक्स्ट है कि द कैथोड रेज आर निगेटिवली चार्ज। अब निगेटिवली चार्ज है तो इसका पता कैसे लगाया, तो आइए देखिए, यहाँ देखिए, इस फिगर को देखिए। तो यहाँ समझना, हम लोग क्या किए हैं कि ये अपना जो था ग्लास ट्यूब उसको लिया गया। इस ग्लास ट्यूब के अराउंड हम क्या किए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये निगेटिव एंड हो गया और ये वाला पॉजिटिव एंड है। ये वाला निगेटिव एंड और ये वाला पॉजिटिव एंड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो जो कैथोड प्लेट से जो निकलने वाले रेज थे, ये रेज इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, यानी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना करके अब क्या हो गए, ये अपने पाथ से डेविएट हो गए और डेविएट होके पॉजिटिव एंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो गए। तो सीधी सी बात है कि इससे पहले कुलों में बात बता चुके थे कि टू अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं जो ये रेज निकल रहे हैं इन रेज के अंदर में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अवेलेबल। देखिए, बिकॉज द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एंड अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स बिकॉज दे कुड रोटेट द लाइट पैडल व्हील माउंटेड ऑन एन एक्सल। तो देखिए यहाँ पैडल लगाया गया, इस प्लेट को परफोरेटेड कर दिया गया। परफोरेटेड मतलब इस तरीके से कि मान लो ये है और इसमें क्या है, छोटा छोटा होल कर दिया गया, तो ये परफोरेटेड प्लेट कर लिया गया। परफोरेटेड एनोड प्लेट यहाँ पर लगा दिया गया। तो हुआ क्या कि जो कैथोड प्लेट यहाँ से निकल रहे, कैथोड रे जो यहाँ से निकल रहे थे, ये कैथोड प्लेट निकल कर परफोरेटेड यानी होल से क्रॉस करके इस पैडल के पास पहुँचे और पैडल को इन्होंने क्या किया, रोटेट कर दिया। इन्होंने, इन रेज ने कैथोड, सॉरी, पैडल व्हील को रोटेट कर दिया। तो इस बात से सिंपल सा पता चला कि कैथोड रेज जो हैं उनमें क्या है, पार्टिकल अवेलेबल, तब ये रोटेट कर पा रहे। नेक्स्ट, दे सो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट एंड आयनाइज गैस थ्रू विच दे पास। ये क्या है, इनके पास पेनिट्रेटिंग इफेक्ट था और इसी वजह से जिस गैस से ये क्रॉस कर रहे थे उस गैस के पार्टिकल को आयनाइज कर दे रहे थे। उनको पॉजिटिवली चार्ज में कन्वर्ट कर देते। आगे, कैथोड रेज डेविएट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट हुए उस तरह मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट हो गए फॉर कैथोड रेज पार्टिकल। और इस कैथोड रेज पार्टिकल को नाम क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन। इस कैथोड रेज पार्टिकल को नाम क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन। और इन्होंने क्या किया गया, इन्होंने क्या किया है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज बाई मास का रेशियो इन्होंने दिया था, यानी जे जे थॉम्सन द्वारा क्या दिया गया, तो इन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन चार्ज बाई, चार्ज बाई मास, ई बाई एम। तो चार्ज बाई मास का इन्होंने रेशियो दिया जिसका वैल्यू था 1.758820 × 10^11 कूलॉम पर केजी। इन्होंने ये वैल्यू दिया, क्लियर है। तो
तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन के चार्ज बाई मास का रेशियो। तो अब क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन बाई चार्ज का, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो मिल गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर एक्चुअल चार्ज क्या होगा, या इलेक्ट्रॉन पर एक्चुअल मास क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन का, उसको कैलकुलेट करने का जरूरत है। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मिलिकन्स के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को हम लोग स्टडी करेंगे, और उसमें इसका डिस्कशन होगा कि किस तरीके से चार्ज को कैलकुलेट किया गया है। ओके, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हम लोग निकालते हैं चार्ज को। ओके, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी बात हम लोग करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब अगले दिन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के साथ मिलते हैं, और साथ साथ हम लोग मिलेंगे एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ओके, जिसमें प्रोटॉन के डिस्कवरी की बात की जाएगी। ओके, थैंक यू।